प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है री क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जो ये चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तहत पांच लॉ आते हैं। पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर, ठीक, ईयर 1789। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था? जोसेफ प्राउस ने, है ना, 1799 में। फिर तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। इस वीडियो में मुझे उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है। अब आप कहोगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का क्या मतलब है सर, और जो बाकी दो लॉ रह गए उनके नाम तो बता दो। लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गिवन बाय रिचर, और पांचवा है गैलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इस वीडियो में हम थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि जॉन डॉल्टन ने दिया था 1803 में, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। अब एक बच्चा कहेगा सर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है लैब में उस लॉ को कैसे साबित करें, कैसे लैब में साबित करें कि ये लॉ सही है, ठीक। अब एक बात और सुन लो, उसको करने से पहले आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन याद है? उसमें मैंने बताया था व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। हिंदी में, अगर दो एलिमेंट आपस में जुड़े और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए और आप उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, 1 ग्राम मान लो, और दूसरे एलिमेंट के मासेस को निकाल लो, दूसरे एलिमेंट के जो मासेस निकालो उनमें रेशियो ले लो, तो वो रेशियो होल नंबर आएगा। समझ पा रहे हैं? रिपीट करें एक बार और। दो एलिमेंट आपस में जुड़े, उन्होंने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, आपने एक एलिमेंट के मास को 1 ग्राम मान लिया और दूसरे एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट कर लिया, उनमें रेशियो लिया, तो वो रेशियो होल नंबर आएगा। अब जैसे बात समझो, लैब में कैसे वेरीफाई करते हैं? सीयू की ओ से रिएक्शन कराते हैं, दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है सीयूओ और एक बनता है सीयू2ओ, ठीक। दोनों कंपाउंड जो बने उस पर हाइड्रोजन गैस पास करें, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। नीचे गैस लिख रहे हैं H2 गैस, सही है। H2 गैस जैसे ही पास करोगे क्या बन जाएगा? Cu+H2O। क्या बन जाएगा? 2Cu+H2O। बन गया या नहीं? तो दोनों केस में अब आपको क्या मालूम है? मान लो आपको CuO का वेट मालूम है और कॉपर का वेट मालूम है, तो CuO में से कॉपर का वेट माइनस करो तो आपको किसका वेट निकल आएगा? ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं CuO के अंदर आपको किसका वेट मालूम है? कॉपर का, है ना। कॉपर का वेट CuO में से माइनस करो तो किसका वेट निकल आएगा? ऑक्सीजन का। तो CuO के अंदर आपको कॉपर और ऑक्सीजन का वेट पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर हमें इसका वेट मालूम है, किसका? Cu2O का, और किसका मालूम है? कॉपर का। अब अगर हमें Cu2O में किसका वेट मालूम है बोलो? Cu2O का वेट मालूम है और किसका वेट मालूम है? कॉपर का। तो अगर हम Cu2O के वेट में से कॉपर का वेट माइनस कर दें, Cu2O के वेट में से किसका वेट माइनस करें? कॉपर का, तो किसका वेट निकल आएगा? ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से CuO में कॉपर ऑक्सीजन का वेट मालूम है, Cu2O में कॉपर ऑक्सीजन का वेट हमें मालूम है। फिर हम क्या करेंगे? फिक्सिंग कर देंगे, किसकी? ऑफ कॉपर। हम दोनों केस में कॉपर का वेट कितना मान लेंगे? 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का आंसर निकाल लेंगे यहां पर और यहां पर, ठीक। यानी कि हम पे CuO में कॉपर ऑक्सीजन का वेट मालूम है, Cu2O में कॉपर ऑक्सीजन का वेट मालूम है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? हमने कॉपर को क्या कर लिया? 1-1 मान लिया और ऑक्सीजन के वेट निकाल दिए। अब आप कहोगे
ऑक्सीजन के वेट निकाल लिए, फिर क्या करें, ऑक्सीजन के जो दोनों यहां पे रेट आए उनमें क्या ले लो, रेशियो ले लो, क्या ले लो, रेशियो ले लो, तो रेशियो आएगा होल नंबर। दोबारा सुनो क्या प्रोसीजर है लैब में, लैब में पहले आप क्या करते हो, कॉपर और ऑक्सीजन से दो कंपाउंड बनाते हो, CuO और CO2, फिर दोनों कंपाउंड में अलग अलग करके हाइड्रोजन गैस पास करते हो, है ना। तो पहला जो CuO का केस है उसमें CuO से हाइड्रोजन गैस पास करने पर कॉपर बनी, कॉपर के वेट को CuO में से सब्ट्रैक्ट किया, ऑक्सीजन का वेट निकाल लिया। तो इस तरीके से CuO में Cu और O का वेट पता चल गया। फिर आप CU2O के पास आए, उस पर हाइड्रोजन गैस पास करी, उससे भी कॉपर बन गई, तो कॉपर का वेट पता चल गया, उसे CU2O में से सब्ट्रैक्ट किया तो ऑक्सीजन का वेट पता चल गया। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको CuO में Cu और O का वेट पता चल गया और CU2O में भी Cu और O का वेट पता चल गया, है ना। यानी इसके अंदर भी इन दोनों का वेट पता चल गया, इसके अंदर भी इन दोनों का वेट पता चल गया। फिर आपने कॉपर को हर केस में कितना मान लिया, 1, और ऑक्सीजन के वेट निकाल लिए। ऑक्सीजन के वेट निकालने पर इनमें आपस में रेशियो लिया, क्या लिया, रेशियो, ठीक। रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे में डिवाइड लगाना। जैसे आप रेशियो लेंगे ऑक्सीजन के वेट में तो वो रेशियो होल नंबर आएगा, क्या आएगा, होल नंबर आएगा, और उसका होल नंबर आना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कंफर्म कर देगा। इस तरीके से लैब में लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कंफर्म किया जा सकता है। सामने सट गया हूं, नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर। तब तक के लिए बाय।